तो 8 लाख तो परेशान हो गया ना, तो 8×5=40 परिवार। हमारी पॉलिसी कोई बड़े लेवल पर ना होनी चाहिए। अब जैसे होमगार्ड का मामला है, कहीं आपने कर दिया, कहीं 2011 से लेकर के अभी तक आप ये लोग मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ बंटी कुमार। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक बार फिर से होमगार्ड अभ्यर्थियों के साथ हैं। बता दें कि मधेपुरा में 5 जून से अभ्यर्थियों के द्वारा कला भवन में जो होमगार्ड के अभ्यर्थियों हैं, जो जिन्हें मेरिट लिस्ट के इंतजार है, उनके धरना स्थल पर पहुंचते हैं और सरकार समेत केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसते हैं। बता दें कि बिहार सरकार समेत केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके पक्ष में भी बात कहते हैं। बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों के बारे में भी बात कहते हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहते हैं जो अभ्यर्थी हैं, होमगार्ड के अभ्यर्थी है, जो 2011 में जिनकी जो है आवेदन दिया गया था जो है, और उनका सारा कुछ हो चुका है, प्रक्रिया फिजिकल हो चुका है, अब उन्हें मेरिट लिस्ट का इंतजार है। अब तक मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया है। मधेपुरा जिला पदाधिकारी से जो है अभ्यर्थी हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया जो है उनको जारी किया जाए, उसके बाद हम लोग धरना तोड़ेंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुँचे हैं, देखिए क्या कुछ कहते हैं। देखिए, सरकार एक तरफ बात करती है नौकरी की, अच्छी बात है, एक तरफ नियोजित को भी आप देख लीजिए, जो पहले नियोजित थे 4 लाख, आप उससे भी नियमित करने के लिए एग्जाम की बात करते हैं, जो 10 साल के बाद संभव नहीं है, क्वेश्चनर कुछ होगा, सेंटर कहीं होगा, तय कोई और करेगा। पहले ही लोग नियोजित शिक्षक प्रमुख मुखिया पदाधिकारी वीडियो से तबाह हो चुके हैं। उसके बाद जो घटना घटित हुई, अभी जो घटना घटित हुआ, 4 जो CTET STET इनका जो आप पॉलिसी बनाए, बाद में एग्ज़ाम भी लिए और 15 दिन में नियोजित देना था, नियुक्ति पत्र देना था, उसको भी आपने कर दिया कि नहीं रिटर्न आपको देना पड़ेगा BPSC के तहत। तो भैया, आप ये दोनों पॉलिसी के बाद एक पॉलिसी आपने बनाई, तो इस पॉलिसी के बाद ना नियोजित को आप कोई बात करते, उसके बाद नहीं, आप उसमें भी आपने BEd और STET का अलग अलग मापदंड बना दिया और उसकी वो नहीं जा पाएगा। तो 8 लाख तो परेशान हो गया ना, तो 8×5=40 लाख परिवार। हमारी पॉलिसी कोई बड़े लेवल पर ना होनी चाहिए। अब जैसे होमगार्ड का मामला है, कहीं आपने कर दिया, कहीं 2011 से लेकर के अभी तक आप ये लोग मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। आप रोस्टेड की बात करते हैं कि रोस्टेड कमिश्नर साहब से कुछ टेक्निकल है, रोस्टेड आ जाएगा फिर किया जाएगा। 2006 में भी यही बात हुई थी, 2011 में भी यही बात हुआ। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, मुझको लगता है कि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। और DM साहब से मैंने आग्रह किया है कि पर्सनली मधेपुरा के इस 250 बच्चों के मामले को, किसी का उम्र खत्म हो रहा है, किसी की परिस्थितियां नहीं ठीक है, तो मैंने यही बात कही है कि इसको संवेदनशील मामले हैं और संवेदनाओं के साथ इस मामले को देखिए। उन्होंने आश्वासन दिया है DM साहब, हर परिस्थिति में इसको कमिश्नर साहब से रोस्टर मंगा करके मैं करूँगा। मैंने वही आग्रह किया, DSP साहब से भी मैंने कहा, कई कार्यक्रम छोड़ के मैं इसी मुद्दों को लेकर के हम आए, ताकि इनको यह ना लगे कि मैं अकेला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लगभग राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ जॉब, इसका सरकार तय करे। ये जो सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव में लगातार आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हम सरकार बनाते हैं और फिर आम आदमी के लिए ना हम रोजगार की बात करते हैं, ना हम आम आदमी की ज़िंदगी की बात करते हैं, ना आम आदमी की इकोनॉमी की बात करते हैं, ना आम आदमी के हेल्थ और एजुकेशन की बात करते हैं। जो मुद्दा है उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते, हमेशा नफरत, जाति, धर्म, मजहब, कुरान, रामायण, जो बेतुक बात है, बाबा हबा घाबा, वो बात इस हिंदुस्तान में होती है। हमको इसराइल से सीखना चाहिए कि हम जीते कैसे हैं, आम आदमी का डेवलपमेंट क्या है, 1 लाख रुपया महीना का इनकम कहाँ से आएगा। विज्ञापन संख्या 2011 का बहाली जो किया गया है, उसका मेरिट लिस्ट चाहिए। 7-8 महीना हो गया, इसमें कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई आए थे कि मिलने के लिए? नहीं कोई। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हो जाएगा 10 दिन 15 दिन महीना दिन, मगर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कितना दिन तक बैठिएगा? जितना दिन तक में हो जाएगा उतना दिन तक बैठेंगे। क्या नाम को कुछ नहीं चाहिए, मेरिट लिस्ट योगदान चाहिए। क्या नाम है? नूतन कुमार। हम लोग 5 जून से धरना पर बैठे हुए हैं मेरिट लिस्ट के लिए। हम लोगों को अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं दिया गया है। हम लोगों का फिजिकल कम्पीट है, मेडिकल कम्पीट है, विज्ञापन संख्या 2/2011 का अभ्यर्थी है हम लोग, और DM साहब के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहे।
अभी तक कोई आए हैं कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आए हैं पूछने के लिए। एसडीएम साहब आए हुए थे, बोले कि आप लोग धरना को तोड़ दीजिए और आप लोगों का सुनवाई किया जाएगा, लेकिन हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं देगा तब तक नहीं तोड़ेंगे। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। हम सब वहाँ पर बैठे हैं, इतना जल्द से कीजिए से इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि से जल्द से जल्द कीजिए। क्या नाम हुआ? पाँच दिन से बैठे हैं हम, जिला पदाधिकारी से ही कहना चाहते हैं कि मेरिट जल्द से जल्द दिया जाए। से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं 2011 में इनकी जो है आवेदन आया था और ये इन लोगों का फिजिकल सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब तक मेरिट लिस्ट नहीं देना यह काफ़ी जो दुख की बात है। होमगार्ड अभ्यर्थियों से भी बातचीत किया है, जो आपने भी सुना किस तरह से होमगार्ड अभ्यर्थियों से बातचीत किया है। होमगार्ड अभ्यर्थियों को संबोधित किया है मधेपुरा के कला भवन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। साथ ही साथ होमगार्ड के अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक 5 जून से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक मेरिट लिस्ट जिला पदाधिकारी नहीं देंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल कहीं मत जाइएगा, देखते रहे। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटीज मीडिया, मधेपुरा।